Hello everyone, welcome to this video and in this video I will teach you how to create a new Gmail account, यानी कि अपना नया Gmail account कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने किसी भी ब्राउज़र में खोलना है, गूगल, गूगल में लिखना है आपने Gmail। जब Gmail करें लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आपने एंटर कर देना है। Gmail लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये विंडो आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर आप लिखेंगे क्रिएट योर जीमेल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर मैं क्रिएट करने लगा हूँ जीमेल अकाउंट। ये आपने लिख लेना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी कि पहला नेम और दूसरा नेम आप कोई सा भी लिख सकते हैं। मैं क्योंकि अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद बनाऊँगा, तो क्योंकि मुझे इसको आगे भी यूज़ करना है तो इसलिए मैं इसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही बनाऊँगा। ये देखिए, ये लिख लिया मैंने, इसका मैंने नाम ये रख लिया, मैंने ये रख लिया अपनी मर्ज़ी के लिए। और यहाँ पर आपने देना है पासवर्ड। पासवर्ड याद रखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोई जो है इसको चोरी ना कर सके, कोई गैस ना कर सके, क्योंकि आपने आगे सारा इसको यूज़ करना होगा, तो इसलिए आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये नाम है पड़ा इसमें। अगर जीमेल में था तो ये जीमेल में ये नाम था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फ़ोन नंबर है, ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑप्शनल फ़ोन नंबर दे देना है। अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहें तो भी ठीक है, ऑप्शनल है। लेकिन मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ईमेल है तो आप वो लिखते हैं, क्योंकि रिकवरी ईमेल है कि अगर खुदा न खास्ता कभी आपके अकाउंट को प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर ये आपको ईमेल कर देंगे। लिहाजा मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर कोई भी रिकवरी ईमेल। यहाँ पे वो कह रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से महीने की आपकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर का मंथ है, 7 है इसमें डे, और ईयर है 1989, ठीक है। जेंडर क्या है, मेल है, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, ठीक है। वाई वी आस्क फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ये लिखना, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि क्यों ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। मैं एग्जैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आगे इसको एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद वो कह रहा है टू मेक श्योर दिस नंबर इज़ यूअर, गूगल विल सेंड यू अ टेक्स मैसेज विद अ 6-डिजिट कोड वेरीफिकेशन। ये मेरा नंबर है तो मैं तो भाई टेक्स इसमें लूँगा, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज मैंने यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए लिख देना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो गूगल से आप यानी कि ईजिली अपना नंबर यही दे के कोड मंगवा सकते हैं, ठीक है। मुझे जो गूगल ने कोड दे दिया वो मैं यहाँ पर इंटर कर दूँगा। तो जी ये वेरीफाई कर देगा गूगल भी, हाँ यही वाला कोड था। तो वो कहते हैं ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, ये डिफरेंट लिखा है। इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड योर फ़ोन नंबर टू योर अकाउंट फॉर यूज़ अक्रॉस गूगल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल योर नंबर विल बी यूज्ड टू ये रिसीव वीडियो कॉल्स मैसेजेस, ये ठीक है। नहीं मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं स्किप करता हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत इसकी, मैंने स्किप कर दिया। ये कहता है सेव करना है, मैं सेव नहीं करूँगा इसको क्योंकि मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आप इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें सारी, ठीक है। करने के बाद आप कहेंगे ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद मैं एग्री हूँ भाई, ठीक है, कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है मैं उसके साथ एग्री हूँ, ठीक है। आपको ये बताना होगा उसको। उसके बाद ये लोड करेगा, ये कहेगा यहाँ पर आपको ये वाला लेके आ गया, ठीक है। इस पेज पर जब आप पहुँच जाएंगे तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, देखें ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपको बताएगा कहाँ पर जाना है आपने। वो हमें बता देगा कि ये आपका जो है वो जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको ये जो है 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये नुक्ते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन हम जीमेल बना रहे थे, हम जीमेल पे क्लिक कर देंगे, ये हमें जीमेल अकाउंट में ले जाएगा। ये लोड हो रहा है, ये लोड हो जाएगा अभी, डिपेंड करता है हमारे नेट की स्पीड पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाउन हो जाएगा, ये लोडिंग जीमेल, न्यू बनाया हमने अकाउंट। तो इस तरह से हम कोई भी जो है जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे जीमेल अकाउंट में ले आया, कहता ईमेल बाय गूगल, ठीक है, सिंपल स्मार्ट, नेक्स्ट कर दिया।
नेक्स्ट मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट जो है। तो ये दोस्तों ये हमारा जीमेल अकाउंट बन गया। इस तरह से सिंपल सा स्टेप है जीमेल हम बना सकते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग कैसे करते हैं सारी, इनको इसका भी मैं सारा आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा सारी के कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो आज तो मैंने जीमेल अकाउंट बनाना सिखाना था आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।